इसराइल हमास युद्ध के बीच गाजा के भीतर से हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड और अल कुज ब्रिगेड लगातार आईडीएफ के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। हालांकि इजरायली सेना भी गाजा में हमास के ऊपर जवाबी हमले कर रही है, लेकिन हमास जितनी ताकत से आईडीएफ के ऊपर हमले कर रहा है उसके आगे इजरायली सेना के हमले थोड़े कमजोर साबित हो रहे हैं। दरअसल अब हमास ने उत्तरी गाजा में बेत हन्नून में इजरायली सैनिकों के वाहनों और सैनिकों पर हमला किया है। इसी दौरान हमास के लड़ाकों की नेजरीम एक्सिस में भिड़ंत भी हुई है। इस भिड़ंत को लेकर अल कासिम ब्रिगेड ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें बेत हन्नून पर अलियासीन 105 गोले दागने की बात कही गई है। और इस वीडियो के अलावा हमास ने पीएम नेतन्याहू का एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें नेतन्याहू के पीछे कैद में एक इंसान की परछाई नजर आ रही है। और इस पोस्टर को लेकर हमास ने कहा है कि नेतन्याहू के राजनीतिक हितों की वजह से आपके बेटे अभी भी कैद में हैं। लेकिन इन हमलों के बीच अल कुज ब्रिगेड ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि उसने नेजरीम एक्सिस में इजरायली सेना के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर मोर्टार गोलों से हमला किया है। अल कुज ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें इजरायली सैनिकों पर हमला होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आईडीएफ ने दो सैनिकों की मौत की पुष्टि करते हुए कहा है कि रविवार को मध्य गाजा पट्टी में दो रिजर्व सैनिकों की मौत इजरायली रक्षा बलों द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में पाया गया कि इन दोनों की मौत तथाकथित मैत्रीपूर्ण गोलीबारी के कारण हुई थी। मंगलवार को जारी जांच के अनुसार 28 वर्षीय इदोव अवीव मास्टर सार्जेंट यफ्ता ब्रिगेड की 9232वीं बटालियन के और 37 वर्षीय कालकीदान मेहरिम मास्टर सार्जेंट कार्मेली ब्रिगेड की 223वीं बटालियन के थे जो एक टैंक से गोलाबारी की चपेट में आ गए थे। लेकिन इन हमलों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गाजा में इतना विध्वंस होने के बावजूद हमास के पास आईडीएफ पर हमले की ताकत कहां से आ रही है। तो आपको बता दें कि गाजा एक सुरंगों के जाल पर बना हुआ है और इन्हीं सुरंगों से आईडीएफ को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई हो रही है और इन हथियारों के बल पर ही हमास इसराइल के कई बड़े युद्धक टैंकों और सैन्य वाहनों पर हमले कर रहा है।